दुनिया भर में हुई बैंक डकैतियों के इतिहास में सब तो वड्डी 5,70,00,000 की बैंक डकैती भाई जिंदे की जुबानी। जथेबंदी हथियारों लई बहुत पैसा चाहिदा सी, जो छोटिया छोटिया बैंक डकैतियों नाल पूरा नहीं सी हो सकता। नाले एक वड्डे एक्शन जिन्नी ही तैयारी छोटी बैंक डकैती लई भी करनी पैंदी सी। इसलिए असी सलाह की कि क्यों ना वड्डी बैंक डकैती की जाए। अपने नाल काफ़ी ठीक ठाक सिंह हन ते हथियार भी। इस बारे मीटिंग हुई। मीटिंग तो बाद बैंक वेखण ते सिंघां नूं सांभण दी ड्यूटी मेरी लगी। चरणजीत सिंह तलवंडी दी ट्रकां ते कारां दी, बापू मलकीत सिंह दी हथियारां दी। इस तरह सारे सिंघां दीआं ड्यूटियां ला दित्तियां। फिर मैं एक बैंक लुधियाणा इंडस्ट्रियल एरिए विच पसंद कर लिया। खास वीरां नूं विखाया, सारिआं नूं ठीक लगा अते असीं सारा हिसाब अंदर जाके ते बाहरों लाया। उस बैंक विच 6 गार्ड पुलिस वाले ते 3 बैंक गार्ड वखरे सन। मेन सड़क ते बैंक सी ते थोड़ी दूर पुलिस चौंकी सी। एक गार्ड दी जगह बैंक अंदर मोर्चा बना के बनाई सी, पौड़ी ला के चढ़दा सी। तकरीबन 300 मुलाजम काम करदे सन। बैंक तो 2 किलोमीटर दूर असी रहिंदे सी। असी रोज़ ट्रैक सूट पा के, मैं, बाबा मंजू ते लाभ सिंह सवेरे 5 बजे जॉगिंग दे बहाने सवेर शाम वेखदे सी। फिर तैयार होकर 8 बजे तो 2 बजे तक वेखदे सी। इस तरह महीना वेखते रहे। फिर असी सोचा कि इन्ने गार्ड काबू करने बड़े मुश्किल हैं, बहुत स्कीमां लाइया गई। फिर असी सोचा कि यह काम पुलिस दीआं वर्दियां विच कीता जावे। बैंक के बारे सानू जानकारी सी कि उत्थे 15-20 करोड़ रुपया हुंदा। फिर असी धन्ना सिंह हौलदार नूं वर्दियां बनाउण दी जिम्मेवारी दित्ती। चरणजीत सिंह वीर ने मैनू लुधियाणे छोटा ट्रक ते मरूती वैन खोह के लिया दित्ती। ट्रक नूं मैं ते बावे ने नीला रंग कराया, क्योंकि अखबारों में ट्रक बारे बहुत आ चुका सी। फिर मैं बैंक के नेड़े ही अपने वाकब कोल अपनी खरीदी हुई मरूती वैन खड़ी कर दिती, ता कि लोड़ पैण ते उत्थों लै सकीए। उसनूं असी कहा सी कि मुसीबत वेले तू कार लैके बाहर निकली, असी तेरे तो बहाने नाल खोह लवांगे। फिर मैं, लाभ सिंह, बिट्टू, चरणजीत सिंह आदि वीरां ने बैंक लई चंगे चंगे सिंह सिलैक्ट किए। असी बैंक लई ओ सिंह सिलैक्ट करन दी कोशिश कीती कि जो कदे ये ना माण करन कि मैं बैंक डकैती की। फिर असी सारिआं सिंघां नूं जिन्हां ने बैंक डकैती करनी सी लुधियाणे सद्या। बैंक वाले सिंघां तों बगैर इस बारे किसी नूं ना दस्या गया। बैंक करन तों 1 दिन पहलां मैं, जनरल लाभ सिंह, मथुरा सिंह, गुरशरण सिंह गामा भलवान, मनजीत सिंह मंजू ते बाबा लुधियाणे बैंक दे नेड़े किराए दे मकान विच कट्ठे रात रहे। दलजीत सिंह बिट्टू भी लुधियाणे किसे ठार ते ठहरिया सी। अजमेर सिंह प्रधान कोल ते शिंदू बलबीर सिंह फौजी दे कोल सी। कुछ वैसे ही लुधियाणे ही रहिंदे सन। बाकी सिंघां नाल किसे जगह सवेर दा समां रख दित्ता सी। वड्डे ट्रक ते तरपाल पा के पुलिस दीआं वर्दियां पा लईआं ते फिर कार ते बैंक करन दी तैयारी कीती। बैंक करन तों पहलां ट्रक विच अरदास करके कड़ाह प्रसाद वंडिया गया। धन्ना सिंह उर्फ जसपाल सिंह हौलदार ने इंस्पैक्टर की वर्दी पाई। बापू मलकीत सिंह भलवान, गुरदेव सिंह सत्यावाली ने हौलदारां दी वर्दी पाई। राजविंदर सिंह राजी ने सिपाही की वर्दी पाई। भलवान ने स्टेन गन फड़ी सी। बापू ते गुरदेव सिंह सत्यावाली ने 3x3 दीआं राइफलां फड़ियां सन। मैं ट्रक लै के चुंगी ते पहुंचिया, क्योंकि सारिआं सिंघां जिन्हां ने पुलिस वाले बनना सी चुंगी ते कट्ठे होना सी। सारिआं ड्यूटियां असीं पहलां ही सिंघां दीआं ला दित्तियां सन कि किस किस तरह ड्यूटी देनी है। पुलिस वाले बने सारे सिंह कार ते गए। मैं छोटा टोयोटा ट्रक लै के कार दे अगे चल पिया। जो वड्डा ट्रक सी ਉਹ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੰਦੂ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਜੋ ਮਰੂਤੀ ਵੈਨ ਵਿੱਚ AK-47 ਰਾਈਫਲ ਤੇ G3 ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਕੈਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਜਿਵੇਂ CRP ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਿਹੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀ
ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪਈ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਸਵੇਰੇ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਟੀਨ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਸਿੰਘ 9:02 ਤੇ ਆਏ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ 8:30 ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੁੰਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਠਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ 8:00 ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਕਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ 8:55 'ਤੇ ਕੰਟੀਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 9:00 ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਲਵਾਨ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆ ਵਾਲੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਾਈਫਲਾਂ ਸਨ। ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਸਟੇਨ ਗਨ ਫੜੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀ ਫੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੇ। ਉਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਉੱਪਰ ਠਾਠੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਕੰਟੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਡੱਬ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਦੀ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਂਕ ਵੇਖ ਆਇਆ ਸੀ। 5-7 ਆਦਮੀ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਗਾਰਡ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੇਫ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਰੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ 9:00 ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ CBI ਦਾ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰੰਸੀ ਕਰਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਹ ਵੇਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਪਿਸਟਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬੈਂਕ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਟੋਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜ੍ਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬੈਂਕ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਿੱਟੂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੰਜੂ ਬੈਂਕ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਮੰਜੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਨ ਗੰਨਾਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕਾ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦੁੱਧ ਲੁਕਾ ਲੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਧ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਆਈ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿਚਲੇ ਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮਝ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ।
उन्हां विचों असली हौलदार तां धन्ना सिंह दे अगे हाथ जोड़ के खलो गया ते कहण लगा कि मैनू माफ़ कर दिओ। धन्ना सिंह ने उन्हां तों रोज़नामा वाला रजिस्टर ते हथियार लै लए। जदों हथियार सिंघां दे काबू आ गए तां धन्ना सिंह ने उन्हां नूं दस दिता कि असीं नकली पुलिस वाले हाँ ते बैंक लुट्टण आए हाँ, पर असली पुलिस वालियां ने इस गल नूं मजाक विच लिया ते माफ़ी मंगी जाण। फिर भलवान ने पुलिस वाले नूं काफ़ी जोर नाल इक थप्पड़ मारिया तां जा के उन्हां नूं समझ आई। फिर जिथे दूजे गाहक ते मुलाजम बिठाए सन उत्थे असली पुलिस वालियां नूं भी बिठा दिता। चरणजीत सिंह पिछले गेट ते ही खड़ा सी। टोनी, राजू ते प्रधान आम लोकां वांग बैंक दे दुआले तुरे फिरदे ध्यान रख रहे सन। असीं सारियां नूं गोली चलाउण तों मना कीता सी, चाहे जिन्नी भी गड़बड़ हो जावे। कहा सी जिन्ना चिर भलवान बिट्टू ते मैं ना कहां उन्ना चिर गोली नहीं चलाउणी, क्योंकि बैंक करन लई कई नवें सिंह सन। मैं बैंक अंदर आउंदा जांदा रहिंदा सी ते उस समय टोनी नूं चाह वाले कोल खड़ा कर दिता। जनरल लाभ सिंह होरां दी मरूती वैन खड़ी दिसदी सी। उन्हां दी ड्यूटी सी कि बाहरी हमले तो अंदर वालियां सिंघां नूं बचाउणा है। इस तरह बिल्कुल ठीक ठाक सारा काम चल रहा सी। तकरीबन 9:30 बजे बैंक के बहुत ही मुलाजम लगातार आई जाते ते सारे आ के चाह वाले नूं चाह बनाउण लई कहिंदे। चाह वाला दुध ना होण दा बहाना करके वापस कर दिंदा। वह बैंक अंदर चले जाते ते सिंघां दे काबू आ जाते। फिर कई अखबार बारे पुछदे ते वह कह दिंदा कि अज अखबार आया नहीं। वह मुलाजम अगों हस के कहिंदे कि अज दे दिन ही इस तरह हो रहा है। कदे कदे चरणजीत भी बैंक अंदरों मेरे कोल आ जांदा सी। फिर मैं राजी नूं जो पुलिस वर्दी विच सी बैंक दे मेन दरवाजे ते जो अजे बंद सी इधर उधर चक्कर लाउण लई कहा। वह साइकिल फड़ के गेट दे अगे चक्कर बिल्कुल असली पुलिस वांग लगा रहा सी, असली सिपाही लग रहा सी। उसने मैनूं पुछया मैं ठीक तरह ड्यूटी कर रहा हाँ, तां मैं आख्या मेरा वीर बहुत ही सोहनी तरह ड्यूटी कर रहा है। कंटीन दे नाल ही स्कूटर ते साइकिल स्टैंड सी। इन्ने चिर नूं 4-5 कुड़ियां बैंक दे सामने आईयां। एक लड़की राजीवीर कोल आई, बाकी थोड़ी दूर खड़ियां रहीयां। लड़की राजीवीर नूं कुछ पुछ रही सी। राजीवीर ने उस लड़की नूं मेरे वल भेज दिता। मैं भी अगे हो के उस कुड़ी नूं मिलिया ते मैं उस नूं इस तरह शो कीता जिवें मैं बैंक मुलाजम ही हाँ। लड़की ने मैनूं कहा मैं हरीश नूं मिलना सी। मैं उस नूं वापस भेजण लई जानबुझ के ही कह दिता हरीश तां किसे जरूरी काम गया है, 12-1 बजे आएगा, तुसीं इस तरह करना कि 2 बजे आ जाना, कोई सुनेहा है तां दे दिओ। वह कुड़ी मैनूं यह कह के चले गई कि उसनूं कहना कि अनीता आई सी कल मैनूं मिले। मैं आख्या ठीक है जी, तुहाडा सुनेहा दे देंगे। वह थैंक यू करके चले गई। मैं इन्हां लड़कियां नूं इस लई झूठ बोलिया सी क्योंकि एक लड़की बैंक अंदर जाती तो अंदर ही रह जाती ते बाहर खड़िया लड़कियों तो मुश्किल हो सकती सी। असी सारे बैंक के परसनल गार्डा पीएनआ ते कैशियरां गेट खोलण वालियां दी पछाण पहलां ही कीती होई सी। हुण 10 बज चुके सन, इस करके मुलाजम ते गाहक बहुत आ रहे सन। रोज़ाना दी तरह मेन दरवाज़ा 10 बजे खोलण लगे। पिछला गेट बंद कर दिता, जिहड़ा रोज़ाना पीएन दरवाज़ा खोलदा सी उस बारे मैं भलवान वीर नूं दस दिता। भलवान उस नूं नाल लै के मेन दरवाज़ा खोलण गया। भलवान वर्दी विच खड़ा सी। पीएन कोलों डरदिया ही चाबियां नहीं सी लग रहियां। ज़्यादा समा चाबियां ना लगन करके बैंक दे बाहर मुलाजमां दी काफ़ी भीड़ लग गई सी। मैं भी उन्हां विच ही खड़ा सी। इशारे नाल मुलाजम चाबियां दस रहे सन कि ऐ लाओ लग जाएगी। उन्हां नूं कोई पता नहीं सी कि की हो रहा है। जदों काफ़ी चिर चाबियां ना लगियां तां मैं उन्हां नूं पिछला गेट पहलां वांग ही खोलण लई कहा। उन्हां भलवान होरां पिछला गेट खोल दिता। मैं टोनी, राजू, प्रधान होरां नूं अपने नाल उन्हां मुलाजमां दे पिछे खड़ा कर लिया तां कि कोई गड़बड़ होण ते इन्हां नूं काबू करके बैंक अंदर लिजाया जाए। पिछले गेट ते भलवान, मथुरा सिंह ते चरणजीत सिंह खड़े सन ते एक बैंक दा गार्ड भी खड़ा सी। उस कोल कोई राइफल नहीं सी क्योंकि उन्हां दीआं राइफलां भी साढ़े काबू आ गईआं सन। उस गार्ड नूं मथुरा सिंह होरां कहा सी कि जे कोई गड़बड़ कीती तां गोली मार देंगे। वह कहिंदा मैनूं गोली ना मारियो, मेरियां 5 लड़कियां विआहुण वालियां ने, कोई खराबी नहीं करांगा। हुण जदों पिछले गेट राही मुलाजम ते गाहक बैंक अंदर जा रहे सन तां मथुरा सिंह ते भलवान कईआं नाल हाथ मिला रहे सन जिवें पहलां ही जाणदे होण। गार्ड भी बड़ा खुश नज़र आ रहा सी क्योंकि उसनूं मथुरा सिंह ने खुश रहण लई कहा सी तां कि किसे नूं शक ना होवे। इस तरह बिना गड़बड़ तो सारे मुलाजम बैंक अंदर चले गए। अंदर सिंघां ने जदों एक पासे सब नूं स्टेन गन्ना दी छावें बिठाया तां सारे मुलाजम हैरान हो गए कि यह की हो गया। मैं भी बैंक अंदर चला गया। मैं सारे मुलाजमां ते गाहकां नूं कहा असीं तुहानूं कुछ नहीं आखांगे, हाँ जे गड़बड़ कीती तां गोली मार देंगे। असीं बैंक लुट्टण आए हाँ, लुट के चले जावांगे, तुहाडे नाल साडी कोई दुश्मनी नहीं।
साड़ी सरकार नाल टक्कर है। फिर मैं बैंक के बाहर आ गया तो कंटीन ते बैठ के बैंक की सारी देख रेख कर लगा। कुछ देर बाद एक 50 साल का आदमी जिसने हाथ में झोला फड़िया सी ते चादर बद्धी सी वो आदमी गेट ते पहुँच के एकदम इस तरह पिछे मुड़िया जिवें किसी नूं पता ही ना लगा होवे ते किसी ने वेख्या ही ना होवे। मैं समझ गया कि इस नूं शक पै गया है। मैं भी उहदे पिछे तुर पिया ते मैं उस नूं इस तरह आवाज़ मारी जिवें उस नूं कुछ पुछना होवे। इन्ने चिर नूं मथुरा सिंह ते चरणजीत भी बैंक तों बाहर आ गए क्योंकि गेट ते उहनां नूं उस आदमी बारे पता लग गया सी। टोनी राजू नूं भी इशारे नाल बुला लिया। मैं उस आदमी नूं खिलार के कहा बैंक अंदर चल, साढ़े पेंट दियां डब्बां विच हथियार ने, असीं पुलिस वाले हाँ, बैंक रेड कीता है, इस करके तू साढ़े नाल बैंक अंदर चल पाओ नहीं तां गोली मार देंगे। पर वो ना मन्निया, उसने रौला पा दिता कि मैनू गोली ना मारियो। असीं सारिआं ने उसनूं फड़ के बैंक अंदर लिजाण की कोशिश की, वह जमीन ते लेट गया। लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए, मथुरा सिंह भी छड़ के खलो गया कि काम खराब हो गया। पर मेरे मन में एकदम विचार आया तो मैं मथुरा सिंह नूं कहा अंदरों बापू नूं बुला लै। मथुरा दबा दब बापू नूं अंदरों लै आया। बापू मलकीत सिंह ने हौलदार की वर्दी पाई सी ते राइफल फड़ी हुई सी। बापू ने आके उस आदमी नूं दबका मारिया ते अंदर लै गया। बापू की उम्र ज़्यादा होण करके ते पुलिस की वर्दी पाई वेख के किसी नूं बिल्कुल भी शक ना होया। वह आदमी भी पुलिस की वर्दी होण करके अंदर चला गया सी। सारिया ने समझा कि पुलिस का मामला है। उस समय एक उस ही बैंक मुलाजम ने मेरे तो पूछया की गल हो गई, इसनों क्यों फड़ के बैंक अंदर लै गए। मैं कहा पता नहीं की गल आ, मैनू पुलिस वाले ने हाथ पवाने लिए कहा, मैं हाथ पवाता। वह बैंक मुलाजम सी इस करके मैं पुलिस की रेड उसनू नहीं कहा तो उस पर निगाह रखता रहा, पर उसनू कोई शक नहीं पिया तो वह भी बैंक अंदर चला गया। हुण मैं उधर होया, जे लोग बैंक के अहाते तो बाहर ये झगड़ा वेख के इकट्ठे हुए सन, उन्हां वल मैं जान बुझ के गया तो उन्हें मेरे तो पुछया की गल हो गई सी। मैं आख्या साला मेंटल बुढ़ा पुलिस वालों नूं गालां कढ रहा सी, गालां कढेगा तो पुलिस वाले फड़न गए ना, वो सुन के चले गए। बाकियों वाल जो सड़क ते दूजे पासे खड़े सी राजू नूं भेज के यही गल खवा दित्ती ते वह भी चले गए। इस तरह किसी नूं भी शक ना होया ते मैं चाह वाली कंटीन ते चला गया। फिर एक नौजवान मुंडा आया, वह भी गेट तो बुढ़े वाग ही मुड़ गया, उसनूं भी शक पै गया सी। मैं उसनूं भी बुढ़े वाग गल करन दे बहाने नाल खिलार लिया। टोनी भी मेरे कोल उसे समय आ गया। चरणजीत बैंक गेट ते खड़ा सी, पूरी तैयारी विच सी। उस नौजवान मुंडे नूं मैं आख्या कि असीं सारी बैंक घेरी हुई है, इस करके चुप करके साडे नाल बैंक अंदर चल। उसने बिल्कुल भी जिद ना कीती ते कहिंदा चलो, ते मेरे नाल बैंक दे दरवाजे नूं तुर पिया। पर मैनूं शक सी कि इह जरूर भज्जण दी कोशिश करेगा। बैंक दे पिछले पासे बैंक दा ट्रेनिंग सेंटर सी, काफ़ी वड्डा सी। उस साइड ते 10 फुट उच्चा लोहे दा जंगला सी। उह नौजवान मुंडा जदों बैंक दे दरवाजे कोल गया तां एकदम बैंक दे पिछले पासे जंगले वल भज उठिया। मैं ते चरणजीत सिंह ने उसनूं फड़ लिया। उह मुंडा बहुत ज़्यादा डर गया ते कहिंदा मैनूं मारिओ ना। असीं उहनूं फड़ के कंटीन कोल लै गए ते उसनूं हौसला दित्ता, कमलिया तैनूं असीं क्यों मारना है। वह कहिंदा मैनूं इत्थे ही बिठा छड्डो, बैंक अंदर ना खड़ियो, मैं इत्थे ही बैठा रहूँगा, रौला नहीं पाऊँगा। मैं आख्या ठीक है, इत्थे ही बैठा रह। थोड़े समय बाद मैं आख्या वेख तू भज रहा सी ते वह साडा पुलिस वाला राइफल लैके खड़ा है, उसने तेरे पिछे गोली चला देनी सी ते तेनूं मारना होवे तां की हुण असीं इत्थे नहीं मार सकते। पर असीं तेनूं क्यों मारना है, एवें डरी जाना, तेनूं कुछ नहीं कहांगे। और वेख कंटीन वाला इहनूं सारा कुछ पता है, ये भी चुप करके खड़ा ही है, इसनों असी कुछ नहीं कहिंदे, इस करके तू भी बैंक अंदर चल। वह मेरी प्यार नाल गल मन के बैंक अंदर चला गया। अंदर जाके उसनों दूसरे विच बिठा दिता। फिर जिन्हां ने उन्हों भजदिया वेख्या सी उन्हां वल मैं तुर पिया। वह जंगले के दूजे पासे ट्रेनिंग सेंटर वल ट्रेनिंग लैन वाले सन ते उन्हां नूं दस्या कि असी CBI वाले हाँ ते बैंक विच रेड कीता है कुछ बैंक फ्रॉड ते गलत करंसी करके। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ CBI ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੰਟੀਨ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਖੁਲਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਅੰਦਰ ਭਲਵਾਨ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਲਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਏਰੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ।
इस तरह जदों भी कोई कैशियर आउंदा तां बैंक मुलाजम बड़े ही जोश नाल हाथ करके कहिंदा कैशियर आ गया है। मैनेजर बारे भी उन्होंने सानू दस दिता ते असी सारे कैशियर एक साइड ते बिठा ले। बैंक विच मेन गेट तो थोड़ा अगे एक गेट सी, उत्थे शीशा लगा सी, उस विच मथरा सिंह चाचा ते पहलवान खड़े सी। पहलवान हौलदार की वर्दी विच सी ते स्टेन गन फड़ी हो सी। मथरा सिंह सिविल कपड़िया विच सी। जदों भी कोई अंदर आउंदा तां कोई शक ना हुंदा। जदों उसनू दूसरिया विच बिठाया जांदा तां उसनू समझ आउंदी। बाकी जो बिल्डिंग वाले मुलाजम सन वह भी बैंक के अंदरों ही उपर चढ़ते सन, उन्होंने भी उपर ना चढ़न दिता तो हेठां ही बैंक में बिठा छड़िया। फिर मैं बाबा ते बिट्टू बैंक की सेफ वाल कैशियर नू लैके गए। सेफ अंडरग्राउंड कमरे विच सी। बैंक सेफ विच 25 लाख रुपए सन। मैं ते मंजू ने बैंक के पैसे पाउण लई 15 बोरियां वड्डियां कणक पाउण वालियां खरीदियां सन ते ओह छोटे ट्रक विच रखियां सन। ट्रक बैंक तो थोड़ी दूर खड़ा कीता सी। मैं ट्रक लिया के बैंक के सामने खड़ा कर दिता ते बोरियां अजमेर सिंह प्रधान अमृतसर नू चुका के बैंक अंदर लै गया। राजीवीर पुलिस वर्दी विच मेन गेट ते पूरी तरह ड्यूटी दे रहा सी। पहलवान ते मथरा सिंह जो भी बाहरों आउंदा उहनू प्यार नाल अंदर बिठाई जांदे। राजू बैंक के अगे पिछे पेट्रोलिंग करदा सी, उसनू कंटीन वाले कोल खड़ा कर दिता सी। हुण ओह ख्याल रखदा सी कि कंटीन वाला किसी नाल गल ना करे। बैंक अंदर सैकड़िया की गिणती विच मर्द औरतां बच्चे बुढ़े इकट्ठे हो चुके सन। असी जदों कोई बजुर्ग आउंदा तां उहनू कुर्सियां ते बिठाउंदे ते इज्जत सन्मान दिंदे। सारे बैंक विचले बंदे ते औरतां बिल्कुल नहीं सन डर रहे ते सानू पूरा सहयोग दे रहे सन। जो बैंक विच लड़कियां नौकरियां करदियां सन मैनू आवाज़ मार के कोल सद के कहिंदियां भाजी तुसी साडे अफसरां नू थोड़ा जिहा दबका मार दिओ क्योंकि साडे अफसर सानू रोज़ ही डांटदे हन कि तुसी लेट आउंदियां हो। इस तरह होर कई अपनियां शिकायतां सानू दसदे ते सारे जने काफ़ी खुश सन। 3-4 औरतां बाहरों आईयां, उन्हां विच्चों कुछ औरतां ये सारी कार्रवाई वेख के डर गईयां, पर एक औरत ने कहा डरो ना आ जाओ अपने ही बच्चे ने। वो औरतां बाकियां नालों बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही सन। वो औरतां जो गुरुद्वारे तो प्रसाद लियाईयां सन सानू छकाया ते उन्हां नू भी असी कुर्सियां ते बहाया ते इज्जत दित्ती। उस बैंक विचली मेन सेफ गार्डां दे कमरियां कोल सी। उत्थों मैं बाबा धन्ना सिंह बाबा ते मंजू चले गए। इन्हां सेफां दा कैशियर ना मिलिया। असी काफ़ी बार बैंक विच कहा कि कैशियर खड़ा होवे, कैशियर डरदा ही ना खड़ा होया क्योंकि हर कोई दहशत करके कोल नहीं सी आना चाहुंदा। मैं सारिया आदमियों विच्चों एक आदमी नू खड़ा करके कहा कि चेस्ट दे कैशियर बारे 5 दी गिणती करन तक दस दे नहीं तां गोली मार देंगा। मैं पिस्टल उहदे कन्न ते ला दिता। वह बहुत डर गया ते कहिंदा मैनू मारियो ना, मैनू बिल्कुल नहीं पता, मैं पैसे कढवाउण आया हाँ। मैं सोचा ये फार्मूला फेल हो गया। फिर मैं सारी बैंक विच आवाज़ दित्ती कि मैं 3 आदमी मारांगा। फिर जदों कैशियर का पता लग गया तो उसनू बख्शिया नहीं जाएगा। ये मेरी आवाज़ सुनते ही एक आदमी भज्जा आया तो कहिंदा मैं ही कैशियर हाँ, मैनू माफ़ कर दिओ, मैनू पहला सुनिया नहीं सी। वह कैशियर बहुत ज़्यादा डरिया होया सी। मैं उसनू हौसला दिंदे हुए कहा असी तैनू कुछ नहीं कहांगे, तू बिल्कुल बेफिक्र रह, असी पैसे लैना आए हाँ, लै के चले जावांगे। कैशियर नू सेफ विच लिजा के सेफां खोलियां तां पुराने 100-100 दे नोटां दीआं गठियां बोरियां विच भरनियां शुरू कर दित्तियां। बाबा ते मंजू वीर चेस्ट विच्चों नोटां दीआं गठियां हेठां सुट्टी जाण ते बैंक दे मुलाजम बोरियां विच भरी जाण। कोल ही वीर धन्ना सिंह खड़ा खालिस्तान बारे लैक्चर कर रहा सी ते बैंक वालिआं नू हौसला दे रहा सी। बैंक वाले हिंदू सिख सारे ही बहुत सहयोग दे रहे सन। मैं उन्हां नू आख्या तुसीं जिन्नी भी छेती हो सकता है सानू पैसे दे के तोरो क्योंकि पुलिस आ गई तां मुकाबला हो जाएगा, उहदे विच तुहाडा नुकसान भी हो सकता है। इस करके भी वह सानू बहुत छेती तोरना चाहते सन ते एक दूजे नू कहिंदे कि तू बोरी विच पैसे घट पाए ने होर पा। इस तरह बैंक वाले आप पूरी तरह बोरियां भरन की जिम्मेवारी निभाउंदे रहे। मैं उपर बैंक विच गया ते उत्थे टोपी किसी दी बिट्टू वीर ने मैनू दे दित्ती। मैं वह टोपी सिर ते पहन ली। कुछ भईए बैंक विच आए सन, उन्हां नू सेफ विच लै गया। उन्हां भईआं दे सिर उपर ते कुछ दे मोढ़िआं ते बोरियां रखियां ते मैं ते पहलवान उन्हां दे नाल बोरियां ट्रक ते रखाउंदे रहे। मैं कई बार बैंक दे बाहर आ के सारे सिंघां ते बाहर दे हालातां बारे भी जानकारी लै लैंदा सी। बैंक वालिआं नाल काफ़ी समां इकट्ठा रहिण करके बैंक वालिआं नाल असीं काफ़ी नेड़ता बना ली ते बैंक वाले भी साडे नाल गल्लां करदे ते बिल्कुल ही सानू अपना ही समझण लग पए ते साडीआं सिफतां करन लगे। असी सारी बैंक विच सारिआं नू आख्या किसे नू भी पैसे की जरूरत है तां जिन्नी लोड़ है लै सकदा है, जेकर इत्थे नहीं कोई पैसे लैणा चाहुंदा
तो सानू अपना एड्रैस दे दिओ, असी पैसे घर भेज देवांगे। पर किसी ने भी पैसा लैण ते एड्रैस देण दी हिम्मत ना कीती। धन्ना सिंह वीर ने बैंक के अंदर खालिस्तान बारे काफ़ी लैक्चर किया। मैं ते पलवान बोरियां भर भर के ट्रक में रखी जा रहे सी। चरणजीत सिंह वीर भी बैंक के बाहर आ के बाहर का हाल चाल वेख रहा सी। ते एरिया मैनेजर की कार के ड्राइवर नाल गल्लां कर रहा सी। एरिया मैनेजर भी बैंक के अंदर सिंघां दे काबू विच सी। ड्राइवर नौजवान सरदार सी, उह चरणजीत नूं कहिंदा कि सरकार शरेआम बोरियां विच पैसे लिजा रही है। चरणजीत नूं लग्या कि ड्राइवर नूं शक हो गया है। चरणजीत वीर ने मैनूं इशारे नाल कहा कि कर दईए ड्राइवर नूं भी अंदर। मैं बहाने जे नाल चरणजीत नूं बुला के कहा कि इस ते नज़र रख, जे खराबी करेगा तो कार विच ही बहा लई, अंदर खड़ना ठीक नहीं। इस तरह चरणजीत ड्राइवर दे कोल खड़ा रहा ते हासे दीआं गल्लां करदा रहा। मैं जदों लाभ सिंह होरां दी वैन वल गया तां उहनां मैनूं छेती करन दा इशारा कीता, क्योंकि बैंक विच सानूं 2 घंटे तों उपर दा समां हो गया सी। लाभ सिंह वीर होरी नाले इशारे कर रहे सी, नाले मेरे वल वेख के हस रहे सी। जदों असीं ट्रक विच बोरियां लद रहे सी तां मथुरा सिंह हर वारी लंघदिआं नूं कहिंदा रहिंदा सी कि बस करो, बहुत हो गए हन। बैंक विच 100-100 दे नवें नोट भी बहुत सन, पर असीं पुराने 100 दे नोट ही लए। सारे 100 रुपए वाले नोट लए, दूसरे नहीं लए। 15 बोरियां 100-100 दे नोटां नाल उपर तक भर गईआं सन। बोरियां भर जाण करके असीं पुलिस वालिआं दीआं रजाइयां ते छाड ते चादरां विच पैसे बन्ने ते ट्रक विच रखे। अखीर मैं पलवान चरणजीत मंजू ते प्रधान टोयोटा ट्रक जिहदे विच नोटां दीआं बोरियां सन लै के उत्थों चल पए। बाकी सिंघां ने पहलां ही बनाई स्कीम अनुसार 1/2 घंटा बाद बैंक विचों बाहर आउणा सी, तां कि उदों तक असीं पैसे लै के अपने सुरक्षित टिकाणे ते पहुँचा सकीए। असीं जिथे भी पैसे खड़ने सी उहदे बारे मेरे पलवान ते चरणजीत तों इलावा किसी नूं पता नहीं सी। ट्रक चरणजीत चला रहा सी, बाकी असीं उहदे नाल अगे बैठे सी। एक सिंघ ट्रक दे पिछे बोरियां कोल खड़ा सी। ट्रक विच ही पलवान ने पुलिस दी वर्दी उतार के सिविल कपड़े पाए। बैंक तों 5 किलोमीटर दूर GT रोड ते महेशिंदर सिंह मेसी वड्डा ट्रक लै के खड़ा सी। मेसी कोल पहुँच के सड़क तों थोड़ा दूर पैसों वाला ट्रक ते वड्डा ट्रक बिल्कुल नाल खड़ा करके ट्रक विचों छेती छेती पैसे रखे। टोयोटा ट्रक प्रधान ते मेसी नूं दे दिता ते कहा कि इस ट्रक नूं शहर दे दूजे पासे छड आओ। जे साइड असी जाणा सी उस तों दूसरी साइड छड्डण लई कहा, तां कि पुलिस सानूं दूजी साइड वल ही लभदी रहे। ते वड्डा ट्रक जिस विच हुण पैसे रखे सन, उस नूं मैं चरणजीत पलवान ते मंजू लै के चल पए। उस बारे मेसी ते प्रधान नूं भी पता नहीं सी कि असी किधर नूं जा रहे हां। बाकी जो सिंघ बैंक विच सन, उहनां ने साडे जाण तों 1/2 घंटे बाद बैंक दे सारे मुलाजमां ते गार्ड नूं बैंक विच बंद कर दिता ते अपनी कार स्कूटर मोटरसाइकिल ते उत्थों चल पए। लाभ सिंह वीर होरी भी मरूती वैन ते उहनां दे पिछे चल पए। 2 किलोमीटर दूर एक सिनेमे दे कोल एक सिंघ राजविंदर सिंह कालिया खड़ा सी। उस नूं पुलिस दी वर्दी वाले सिंघां ने कार दे दित्ती ते आप छिंदू वीर होरां वाली मरूती वैन विच चढ़ गए। छिंदू वीर ते लाभ सिंह थोड़ी दूर अगे उतर के बस ते चढ़ के शहरों निकल गए। मथुरा सिंह बैंक तो ही लागले स्टैंड तो बस ते चढ़ के अमृतसर चला गया सी। बाबा वीर बाकी दे सिंघां नूं गलियां राहीं लिजा रहा सी। वैन दे विच ही सिंघां ने वर्दियां बदल के सिविल कपड़े पहन लए सन। एक एक करके सारे उतर के शहर छड़ गए। बावे ने मरूती वैन फील्ड गंज वाले पुल दे हेठां ला दित्ती ते उत्ते तरपाल पा दित्ती। वैन विच काफ़ी हथियार सन, पर तरपाल उपर पाई करके दिखदे नहीं सन। असी पैसों का ट्रक लै के लुधियाने अपने एक फैक्टरी वाले वाकब दे कोल चले गए। उस नूं उस समय ही दस्या कि असी कुछ गलत समान ट्रक विच रखिया है, कुछ फैक्टरी का समान इहदे उपर रख के ये समान हेठां लुकाउणा है। उसने कहा ठीक है, मैं रखा दिना हाँ। असी कहा असी आप ही समान रख लांगे। उन्ने चिर नूं अचानक एक CRP का टैंपू आ के कोल खलो गया ते छेती छेती CRP वाले उहदे विच्चों उतरन लगे। असी दबा दब ट्रक विच चढ़ के ट्रक भजा लिया। असी सोच लिया सी कि CRP नूं पता लग गया है, हुण बचना मुश्किल है। असी समझदे सी कि शायद वायरलैस ते खबर पहुँच गई होवे। असी ट्रक दे विच हथियारां नूं बोल्ट मार लए सन ते नाले वाहिगुरू का जाप करन लग पए कि वाहिगुरू पैसे बचा दे, क्योंकि सिंघां ने इन्नी मेहनत कीती आ, व्यर्थ ना जावे। असी उस फैक्टरी तो साइकलां दे रिम पैसों उपर रख के पैसे ढक के किसी सड़क ते ट्रक दे टायर उतार के 3-4 दिन सख्ती दे कढ लैणे सन। हुण असी ट्रक चंडीगढ़ रोड ते पा के चल पए। चंडीगढ़ रोड ते CRP दा नाका सी, उह हर गड्डी नूं रोकदे सी। मुश्किल ये सी कि असी वापस भी नहीं सी मुड़ सकते।
असी हथियार हत्थां विच फड़ ले कि जेकर CRP ने रोकिया तां गोली चला के निकलण दी कोशिश करांगे, पर उन्होंने सानू रोकिया ही नहीं। फिर असी माछीवाड़े वाली रोड ते चले गए। असी सोचिया कि किसी किसान तो गन्ना लैके पैसे ढक देंगे, पर इस तो पहला ही सानू इटां दा एक भट्ठा दिसिया ते असी स्कीम बना ली। हुण असी इटां दे भट्ठे तो इटां लद्दियां, असी आप ही ट्रक ते इटां रखण लग पए। लेबर नूं असी इटां इस करके ना रखण दित्तियां क्योंकि बोरियां विच्चों पैसे खिलरे पए सन। असी फट्टियां नाल पैसे ढके सन। भलवान मंजू ते चरणजीत ट्रक ते इटां रखण लग पए। चरणजीत वीर होरां दे कपड़े चंगे होण करके ते पढ़े लिखे लगण करके एक होर ट्रक वाला जिहदे ट्रक विच भी इटां रखियां जा रहियां सन, उसने मैनूं आवाज़ मारी ते मैनूं पुछिया तुहाडा ट्रक किस यूनियन विच है। इस सवाल का सामना अचानक ही करना पिया, पर फिर भी मैं उस ही तरह हुशियारपुर की एक ट्रक यूनियन का नाम लै दिता। उसनूं साढ़े ते शक हो गया। वह ट्रक वाला बहाने नाल अपने ट्रक की छत ते चढ़ गया ते इस तरह उसने साढ़े ट्रक विच इटां दे थले बोरियां लुकाउंदिआं सानू वेख लिया। ये वेखण पिछों वह मेरे वल वेख के हसण लग पिया, मैं भी कच्चा जिहा हस पिया। चरणजीत वीर भी ये सब कुछ वेख के साढ़े कोल आ गया। ट्रक वाला मैनू कहिंदा तुसीं आप क्यों ट्रक ते इटां लद रहे हो। मैं आख्या असी तां हुशियारपुरों इत्थे भैण कोल आए सीगे, असी सोचिआ कि भैण दे घर इटां ही सुट आईए क्योंकि वह अपने घर दे गड्डे ते ही इटां ढो रहे सीगे। असी सोचा कि आप ही ट्रक ते इटां रख लैंदे आ, भैण दा खर्चा बच जाऊंगा। उसने हसदे हसदे ने कहा मैनू सब पता है जो तुसा लोगों ने ट्रक विच रख्या है। मैं ते चरणजीत ने अंदाजा लाया कि शायद इसनू पता लग गया है, इस करके हुण इसनू नाल ही हथियार ला के रखना पवेगा। इस दी भी मौत आई है। मैं हासे विच गल पा के उन्हूं पुछया भला दस की रख्या है। वह कहिंदा डोडे ने। साढ़े लई उहदा इह जवाब पुट्टिया पहाड़ ते निकलिया चूहा वाली गल सी। फिर मैं थोड़ा जिहा हस के कहा तैनू भी पता ही है यार कि ट्रक के कारोबार विच तां कुछ बचदा ही नहीं, इसलिए थोड़ा बहुता इहो जिहा काम करना ही पैंदा है। गल खत्म करके असी ट्रक वाले ते नज़र रखी, पर असी अंदाज़ा ला लिया कि ट्रक वाला डोडे ही समझदा है। असी छेती छेती उतों ट्रक ते इटां रख के पैसे लुका के चंडीगढ़ रोड नूं चल पए। मेरा एक वाकफियत वाले दी चंडीगढ़ रोड ते शैलर बहुत वड्डी कोठी ते गोदाम सन। असी उस कोठी विच चले गए ते ट्रक गोदामां दे पिछे ला दिता ते अपने वाकफियत वाले नूं सारा हाल दस्सिया। असी उहदी कोठी विच इशनान करके कुर्ते पजामे पाए जो उसने सानू दित्ते सन। प्रशादे छके उसने VCR ला दिता ते असी वेखण लग पए। फिर असी सलाह करके मंजू नूं ते वाकफियत वाले नूं उसकी कार विच लुधियाणे भेजिया तां कि सारे हालात बारे पता करके आउण ते बावे नूं ते अपनी लुकाई हुई वैन लै आउण। मंजू उस ठार वाले नूं होटल विच बिठा के बावे नूं उस कोल लै आया ते बाकी सारे टिकाणियां ते पता कर आया। मंजू ते ठार वाला 2 घंटिआं विच सारा पता लैके आ गए। मंजू ने आके दस्सिया कि बैंक वालिआं नूं पुलिस नाकिआं ते लैके खड़ी है, पर मैनू उन्होंने पछाणिया नहीं। फिर वह ठार ते असी 50 लाख रुपए रख दिते। उत्थे ठार ते ही असी TV ते खबरां विच सुनिया कि बैंक डकैती 5 करोड़ 70 लाख की हुई है ते 10 करोड़ बैंक विच ही रह गया सी क्योंकि बोरियां खत्म हो गई सन। फिर असी उस ठार तो 9 बजे रात को तुर पए। बहुत नाके लगे हुए सन पर पैसे इटां थले सन ते नाके वाले नूं आख दिंदे सी कि गुरद्वारे इटां सुखियां सन चढ़ाउण चले आ। भलवान ते चरणजीत वीर ट्रक ते सन, मैं ते बाबा मरुती वैन ते। फिर असी सारे पैसे वखरो वखरियां ठारां ते उतार ले। पुलिस समझदी सी कि पैसे अजे लुधियाणे विच हन, पर मैं वह पैसे वैन दीआं बारियां विच रख के बाहरों लिया के दोबारा लुधियाणे अपने जाण पछाण वालिआं कोल रख रहा सी। जिन्हां वीरां ने बैंक डकैती की उन्हां दे नाम शहीद भाई हरविंदर सिंह उर्फ मथुरा सिंह उर्फ चाचा, भाई गुरशरण सिंह गामा भलवान, शहीद भाई चरणजीत सिंह चन्नी तलवंडी उर्फ जथेदार, शहीद भाई राजविंदर सिंह राजी राजस्थान, शहीद भाई अजमेर सिंह प्रधान अमृतसर, शहीद भाई गुरमीत सिंह टोनी जलंधर, शहीद भाई गुरदेव सिंह सत्यावाली फिरोजपुर, शहीद जनरल लाभ सिंह उर्फ भाई सुखदेव सिंह सुखा अमृतसर, शहीद बापू मलकीत सिंह राजस्थान, भाई दलजीत सिंह बिट्टू उर्फ सतीश लुधियाणा, शहीद भाई सुखविंदर सिंह सिंधु उर्फ शर्मा, शहीद भाई सुखविंदर सिंह सिंधु उर्फ शर्मा अमृतसर, भाई बलबीर सिंह फौजी, शहीद भाई मनजीत सिंह मंजू अमृतसर, शहीद भाई सतनाम सिंह बाबा अमृतसर,
ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਭਾਈ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਰਫ ਮਹੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ ਜੋ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਾਬਾ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ ਜਲੰਧਰੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਰਿਵੈਰੋ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ DSP ਬਣਿਆ ਸੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਜੀ ਪਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਜ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਦੇ ਜੁਗਾਂ ਤੀਕਰ ਆਸ਼ਕ ਸੂਲੀਆਂ 'ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ।